मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिलचस्प मुकाबला भी शुरू हो गया है। ये सियासी मुकाबला इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि अब राजनीतिक लड़ाई रिश्तों की दिलचस्प लड़ाई में बदल रही है और ऐसी ही एक सीट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस ने समधी समधन को मैदान में उतार दिया है। तो आइए इस सीट और इस सीट से उतारे गए उम्मीदवारों के बारे में जान लेते हैं। सीट का नाम है डबरा विधानसभा क्षेत्र। बीजेपी उम्मीदवार का नाम है इमरती देवी। कांग्रेस उम्मीदवार का नाम है सुरेश राजे। ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट पर दोनों ही पार्टियां यानी बीजेपी और कांग्रेस ने रिश्तेदारों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। जहां एक तरफ बीजेपी ने कांग्रेस से आई इमरती देवी को टिकट दिया है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने एक बार फिर इमरती देवी के समधी सुरेश राजे पर भरोसा जताया है। इमरती के भाई की बेटी की शादी सुरेश राजे के बड़े भाई के बेटे से हुई है। इस रिश्ते से वो आपस में समधी समधन कहलाते हैं। कौन है इमरती देवी? इमरती देवी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे की नेता हैं। 2020 में जब सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे तो इमरती देवी भी उनके साथ बीजेपी में शामिल हो गई थी। सिंधिया की करीबी होने के चलते इस बार भी इमरती देवी का टिकट लगभग तय माना जा रहा था और बीजेपी की दूसरी लिस्ट में उनका नाम भी आ गया। इमरती देवी सिंधिया को अपना राजनीतिक गुरु मानती है। वैसे इमरती देवी अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में भी रही है। कौन है सुरेश राजे? सुरेश राजे डबरा के रामगढ़ के रहने वाले हैं। वो पेशे से किसान और व्यापारी हैं। गल्ला और सब्जी मंडी में उनका अपना कारोबार भी है। कुछ दिनों पहले सुरेश राजे एक सीडी कांड के बाद काफी चर्चा में आए थे। उनकी एक अश्लील सीडी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इसमें दावा किया गया था कि वो युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आए थे। इस घटना के लिए उन्होंने पूर्व मंत्री इमरती देवी को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने इसकी शिकायत एसपी ग्वालियर से भी की थी। इस मामले में कांग्रेस एकजुटता से उनके पीछे खड़ी दिखाई दी थी। तीसरी बार समधी समधन की जोड़ी आमने सामने। ऐसा तीसरी बार है जब समधी समधन की जोड़ी आमने सामने है। 2013 में समधी सुरेश राजे को बीजेपी ने टिकट दिया था। उस समय समधन इमरती देवी कांग्रेस से चुनाव लड़ रही थी। उस चुनाव में इमरती देवी ने सुरेश राजे को हरा दिया था। इसके बाद 2020 में उपचुनाव के दौरान कांग्रेस की इमरती देवी सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गई और बीजेपी से सुरेश राजे कांग्रेस में शामिल हो गए। इस दौरान सुरेश राजे ने इमरती देवी को हराया। अब 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर समधी समधन को मैदान में दोनों ही पार्टियों ने उतारा है। कांग्रेस की घर मानी जाती है डबरा विधानसभा सीट। डबरा विधानसभा सीट को कांग्रेस का एक मजबूत सीट माना जाता है जहां कांग्रेस एक लंबे समय से चुनाव जीतती आ रही है। डबरा सीट के राजनीतिक समीकरण को ऐसे समझा जा सकता है कि जब तक इमरती देवी कांग्रेस के साथ थी तब तक वो इस सीट पर जीतती रही, लेकिन जैसे इमरती ने कांग्रेस का साथ छोड़ 2020 के चुनाव में बीजेपी का दामन थामा वैसे ही वो चुनाव हार गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस बार समधी और समधन में से किसका साथ देती है।